ए टू जेड क्लासेस जपला। यदि अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद। चलिए आज देखते हैं झारखंड के नदी से जो हम लोग प्रश्न कर रहे हैं उसका पार्ट टू देखते हैं, ठीक है। झारखंड के नदी का पार्ट वन एमसीक्यू आप पहले जाकर उसको देखिए और उसके बाद आप पार्ट टू देखिएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए आज नदी से रिलेटेड जो हम लोग प्रश्न कर रहे हैं उसका पार्ट टू हम लोग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इसमें आ रहा है क्वेश्चन, गुमरो एवं एरो किसकी सहायक नदी है। हम लोग पार्ट टू पढ़ रहे हैं, झारखंड नदी से ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट टू है। तो गुमरो एवं एरो किसकी सहायक नदी है, ठीक है। कह रहा है कि गुमरो नदी और एरो नदी किसकी सहायक नदी है, तो यह है ब्राह्मणी नदी का सहायक नदी है। तो ऑप्शन था मयूर अच्छी, ब्राह्मणी, अजय और सन। तो इसका सही आंसर होगा ब्राह्मणी। अगला क्वेश्चन है, औरंगा एवं अमानत नदी किसकी सहायक नदी है। तो देखिए उत्तर दिशा में बहने वाली नदी है औरंगा और अमानत, ये उत्तरी कोयल, देखिए ये उत्तरी कोयल का सहायक नदी है और ये जो सोन है सोन का सहायक नदी उत्तरी कोयल है, ऐसे आपको पढ़ना है। ये तो दो नदी ऑप्शन में था ही नहीं क्योंकि ये दक्षिण और पूर्व की तरफ बहने वाली नदी है, तो ये दो ऑप्शन था इसमें, उत्तरी कोयल और सोन। तो सोन का सहायक नदी उत्तरी कोयल है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके पास बचा उत्तरी कोयल। और औरंगा एवं अमानत नदी किसकी सहायक नदी है, तो उत्तरी कोयल की है। आगे औरंगा नदी किस जिले से निकलती है, तो ऑप्शन है आप भी साथ साथ बनाते चलिए, आप देखिए कि आप झारखंड के नदी को अगर कंप्लीट किए हैं तो आपका कितना स्कोर आता है। तो पलामू है, रांची, गढ़वा और हजारीबाग। तो इसका सही आंसर है रांची। करे अमानत नदी किस जिले से निकलती है, तो करे हजारीबाग, पलामू, गोड्डा और रांची, तो ये हजारीबाग जिले से निकलती है। करे दक्षिणी कोयल नदी कहां से निकलती है, दक्षिणी कोयल नदी, देखिए दक्षिणी कोयल नदी जो है वो आपका दक्षिण या पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां में से एक है दक्षिणी कोयल। तो दक्षिणी कोयल नदी जो है ये नगड़ी रांची गांव से निकलती है और नगड़ी रांची गांव से ही स्वर्ण नदी का भी उद्गम स्थल है। स्वर्ण नदी भी कहां से निकलती है, यही नगड़ी रांची से ही निकलती है। करें कि दक्षिणी कोयल का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन है, तो ऑप्शन है बराकर, दामोदर, स्वर्णरेखा और कारू। देखिए ऑप्शन को कैसे स्टडी करना है आपको, तो बराकर नदी जो है वो दामोदर नदी का सहायक नदी है, ठीक है समझ गए। स्वर्ण रेखा जो है वो किसी भी नदी का सहायक नदी है, तो सिर्फ यहाँ सहायक नदी नहीं है, स्वर्ण रेखा एक स्वतंत्र नदी है जो बंगाल के खाड़ी में जाकर गिरती है नगड़ी गांव से स्टार्ट होकर, तो ये तो होगा नहीं। बराकर नदी जो है दामोदर नदी का सहायक है, तो अब एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास, कारो। इसका सही जवाब क्या होगा, कारो। तो दक्षिणी कोयल का सबसे बड़ा सहायक नदी है कारो। अब कह रहा है कि शंख नदी का उद्गम स्थल कहां है, गुमला जिला में है, रांची जिला में, लातेहार या गोड्डा। इसका सही जवाब होगा गुमला जिला में। शंख और दक्षिणी कोयल, शंख और दक्षिणी कोयल नदी किस राज्य में एक दूसरे से मिलते हैं। देखिए क्वेश्चन को फिर से देखिए, शंख और दक्षिणी कोयल नदी किस राज्य में एक दूसरे से मिलते हैं, तो ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और यूपी। तो देखिए यहां पर नीचे है दक्षिण है आपका, यहां पूर्व है और यहां उत्तर है और यहां पश्चिम है। तो यहां देखिए पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है और यहां उड़ीसा है और यहां उत्तर प्रदेश है और यहां पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तो ऐसे जो है दक्षिण की ओर नदी बह रही है तो यहां जाके उड़ीसा में ये मिलती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, उड़ीसा। तो शंख और दक्षिणी कोयल नदी किस राज्य में एक दूसरे से मिलते हैं, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, तो उड़ीसा राज्य में जाकर एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो इस स्लाइड में सिर्फ 8 क्वेश्चन थे। आइए अगला स्लाइड, मयूराची या मोर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। देखिए कह रहा है कि दुमका में, देवघर में, मुंगेर जो बिहार में है या हजारीबाग। तो इसका सही जवाब है देवघर। तो देवघर में कभी कभी पूछ देगा कि
देवघर जिला में कहां से निकलती है? तो तिवर पहाड़ी या त्रिकुट पहाड़ी, ये दोनों में से कोई एक आप तिवर का यूज कीजिए या त्रिकुट का यूज कीजिए। देवघर जिला पूछा था यहाँ पर किस जिला में है, तो सभी जिला का नाम लिखा हुआ था, तो आपका आंसर होगा देवघर जिला। उसके बाद है गुमानी नदी कहां से निकलती है, गुमानी नदी कहां से निकलती है? राजमहल की पहाड़ियां, अमरकंटक पहाड़ी। अमरकंटक पहाड़ी कहां, कौन? अमरकंटक पहाड़ी जो है किसके लिए यूज हुआ था, सोन नदी के लिए यूज हुआ था। और पारसनाथ की पहाड़ी, और यह इनमें से कोई नहीं, इसका सही जवाब है राजमहल की पहाड़ी। फिर कह रहा है कि मयूराक्षी नदी अपनी प्रारंभिक अवस्था में किस नाम से जानी जाती है? जैसे मयूराक्षी नदी जो है, देखिए ध्यान से, मयूराक्षी नदी जब वो प्रारंभ निकलती है तो प्रारंभिक अवस्था में मतलब निकलते समय वो किस नाम से जानी जाती है? मोराबी नाम से जानी जाती है, या टिपरा नाम से, या मोतिहारी से, या मायरी से? तो इसका सही जवाब होगा मोतिहारी से। अब देखिए ध्यान से, किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया है? किस नदी को? तो ये सकरी नदी को कहा गया है। किस नदी को कहा गया है? सकरी नदी को। चलिए तो देखते हैं, कह रहा है कि किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि फल्गु, दामोदर, अजय या सकरी? तो इसका सही जवाब होगा सकरी। अगला क्वेश्चन है, चानन या पंचानन, एक ही नदी का नाम है चानन भी, या उसको कह सकते हैं आप पंचानन नदी, कहां से निकलती है? देखिए पहला ऑप्शन है छोटा नागपुर के पठार, दूसरा है मुंगेर, तीसरा है अमरकंटक, और फिर है नगड़ी गांव। तो नगड़ी गांव से तो स्वर्ण नदी निकलती है, अमरकंटक ये सोन नदी निकलती है, और मुंगेर, ठीक है, ये तो बिहार में हो गया, और ये आपका एक ही ऑप्शन बचता है छोटा नागपुर के पठार। तो इसका सही जवाब होगा छोटा नागपुर के पठार। मतलब चानन और पंचानन नदी कहां से निकलती है, तो आपका जवाब होगा छोटा नागपुर के पठार। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है कि प्रवाह की दिशा के अनुसार झारखंड की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि नदियों का बंटवारा जो है दो भागों में हुआ है। पहला जो है उत्तर में, उत्तर दिशा की तरफ बहने वाली नदी, और दूसरा पूर्व या दक्षिण के दिशा की तरफ बहने वाली नदी। तो दो, इसका सही जवाब होगा दो। तो ऑप्शन था 3, 4, 2 और 5, इसका सही जवाब होगा दो। करा बराकर नदी का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बराकर नदी का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो बराकर नदी जिस समय हम लोग कंसेप्ट पढ़ रहे थे, तो ये देखे थे कि बराकर जो है गांव का नाम है, ठीक है, जिसका जिक्र जो है बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में किया गया है। तो अगला ऑप्शन था सह ग्रंथ गीता, और इनमें से कोई नहीं, इसका सही जवाब होगा बौद्ध एवं जैन ग्रंथ। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है? और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी एग्जामिनेशन में झारखंड से रिलेटेड जो एग्जाम होते हैं उसमें प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है। तो गंगा नदी जो है सिर्फ एक जिले से होकर गुजरती है, वो जिला कौन है बताइए आप? पलामू, गढ़वा, रांची, साहिबगंज। तो इसका सही जवाब है साहिबगंज। केवल झारखंड में एक ही जिला है, जैसे कर्क रेखा, कर्क रेखा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है, तो उसका सही जवाब है रांची। और कुछ जगह गंगा नदी झारखंड में किस जिले से होकर गुजरती है, तो आपका सही जवाब होगा साहिबगंज। तो आज के वीडियो में हम लोग देखें नदियों से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज हम चला रहे हैं उसका पार्ट टू, और ये अंतिम पार्ट था। दोनों पार्ट को मिलाकर हमने 36 क्वेश्चन को किया, और पूरी तरीका से सभी नदियों को इस 36 क्वेश्चन में हमने कवर कर दिया। जो आने वाले एग्जामिनेशन सीजीएल और जेपीएससी जो एग्जामिनेशन है उसमें इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप पहले कंसेप्ट को देखिए, जो पार्ट वन और पार्ट टू पढ़ाए गए हैं, पार्ट वन में उत्तर की दिशा की तरफ बहने वाली नदियां, और पार्ट टू में पढ़ाया गया था पूर्व या दक्षिण की तरफ बहने वाली नदियां, उसको पहले आप देखें, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट वन देखें, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट टू देखें। अगला जो वीडियो होगा वो झारखंड के जल प्रपात से होगा, वाटरफॉल से होगा, कि आखिर जल प्रपात पूरे झारखंड में कहां कहां स्थित है, और उसमें से इंपोर्टेंट कौन है, इंपोर्टेंट के बारे में थोड़ा डीप में हम लोग स्टडी करेंगे अगले वीडियो में। तो
तो आप तैयार रहिए अगले वीडियो के लिए, झारखंड का जल प्रपात। धन्यवाद।